नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15% का इजाफा कर दिया है। बिहार में अब 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने इसको लेकर गजट भी प्रकाशित कर दिया है। यानी अब से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति जनजाति EBC और OBC को 75% आरक्षण का लाभ आज से लागू कर दिया गया है। हालांकि आरक्षण की नई व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की पूरी संभावना है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। 9 नवंबर को इसे दोनों सदन से पास किया गया था। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रावधान था। इस बिल को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी BJP ने भी अपना समर्थन दिया था। और अब दिल्ली से पटना लौटते ही राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल 2023 पर अपनी मोहर लगा दी है। बिल के लागू होने के बाद बिहार में SC को 20%, ST को 2%, अति पिछड़ा को 25% और पिछड़े वर्ग को 18% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10% आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में पिछड़े, दलित और महादलित को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस वर्ग के छात्रों को सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में इसका फायदा होगा। हालांकि बिहार सरकार का ये फैसला इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से तय की गई 50% सीमा का 1.5 गुना हो गया है। जाहिर है कि आरक्षण की नई व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि EWS आरक्षण के बाद आरक्षण की अधिकतम सीमा पहले ही 60% हो चुकी है और तमिलनाडु समेत कई राज्य ऐसे भी हैं जहां आरक्षण की सीमा 60% से ज्यादा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार 1992 केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 9 जजों की संविधान पीठ ने 6-3 के बहुमत से जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा की लकीर खींच दी, जो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। साल 1991 में केंद्र की तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया था, जिसे इंदिरा साहनी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी फैसले की काट के लिए 1993 में तमिलनाडु सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची का सहारा लेकर नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में दाखिले में अधिकतम आरक्षण को 69% कर दिया। तमिलनाडु ने आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा रखने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची का सहारा लिया था। संविधान की 9वीं सूची में जो कानून शामिल होते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अक्सर आरक्षण से जुड़े कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग होती रहती है। वैसे जनवरी 2007 में तत्कालीन CJI YK सबरवाल की अगुवाई वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने 9वीं अनुसूची को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने साफ किया कि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी न्यायिक समीक्षा या संवैधानिक वैधता की जांच नहीं की जा सकती। अगर संबंधित कानून मूल अधिकारों के खिलाफ है तो ऊपरी अदालतें उसे रद्द कर सकती हैं। महाराष्ट्र में अभी मराठा आरक्षण आंदोलन जोर पकड़ रहा है। करीब 2 साल पहले मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने रिजर्वेशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 82% करने का फैसला किया। इसमें EWS के लिए भी 10% रिजर्वेशन शामिल है। अक्टूबर 2019 में हाईकोर्ट ने आरक्षण के इस फैसले पर रोक लगा दी। 2022 में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि आरक्षण 50% की सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में आरक्षण की अधिकतम सीमा 58% है।
2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य सरकार की नौकरियों में 73% आरक्षण लागू किया, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% भी शामिल था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। 3 साल पहले 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बहुत अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल तमिलनाडु के तमाम राजनीतिक दलों ने शीर्ष अदालत से राज्य में मेडिकल और डेंटल कोर्स के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए 50% आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी। उसी पर सुनवाई करते वक्त जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आरक्षण का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज नीतीश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने इसको लेकर गजट भी प्रकाशित कर दिया है। यानी कि अब से शिक्षण संस्थान हो, नौकरी में अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ईबीसी हो, ओबीसी हो, सबको 75% आरक्षण का लाभ आज से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आरक्षण की ये नई व्यवस्था तो कर दी गई है। नई व्यवस्था करके 75% आरक्षण देने की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कह दी गई है, लेकिन व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यह फैसला पलटा जा सकता है, जैसा कि कई बार पिछली बार भी हो चुका है। इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ हैं अनामिका सिंह, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है अनामिका जी। प्रोफेसर के त्रिपाठी, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, सर आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय बंसल, जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस पूरे मामले को समझेंगे कि कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्या कुछ संभावनाएं होती हैं कि जिस तरह से इसको पूरे मामले को कोर्ट में एक बार फिर से चुनौती देकर खड़ा किया जा सकता है। सवाल सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी त्रिपाठी जी आप ही के साथ, कि ये जो 50% से ऊपर का आरक्षण का ये जो दाव खेला गया है, प्रैक्टिकल है क्या? क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कई राज्यों ने इस चीज की पहल की थी, बाद में देखने को मिला कि ये मामले इस तरह के कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है, और कहीं ना कहीं इसे 2024 के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है? सर देखिए बक्ता जी, जी ये चुनाव का तो मुद्दा नहीं है। ये जो भारतीय राजनीति में जो हमारे समाजवादी लोग थे, जो पूर्व से डॉक्टर राममनोहर लोहिया थे, जी किशन पटनायक थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, सारे लोगों का एक था कि 60% लोगों को जो पिछड़े हैं उनको हमको देना है, आरक्षण देना है, उनको मुख्य धारा में लाना है। ठीक है, वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से कैसे बराबरी में आ जाए, इसका प्रयास किया गया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, काका कालेलकर की आयोग एक बना, उस आयोग की रिपोर्ट आई, लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने लागू नहीं किया। उसके बाद जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट आई देश में, तब पिछड़ों का बीपी मंडल कमीशन बना, और बीपी मंडल कमीशन ने जब रिपोर्ट दी तो बीपी मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण दिया। लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में एक प्रयोग किया, अति पिछड़ा अति दलित का प्रयोग किया, जो पिछड़ों में पिछड़े हैं उनको भी कैसे आगे लाया जाए, क्योंकि जो क्रीमी लेयर है वो आरक्षण का पूरा लाभ ले रहा, और इसकी जातीय जनगणना उनको करानी पड़ी। और जब जातीय जनगणना हुई तो जब फिगर आ गया सामने, आर्थिक आंकड़े भी आ गए सामने, तो उस पे उसी के आधार पे उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। और एक देश में हमारी मांग है कि जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों होना। सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है त्रिपाठी जी, ठीक बात है कि आप मुख्य धारा से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको लाभ देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 50% से ऊपर के आरक्षण पर तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है ना कि इस सीमा से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। बक्ता जी, अगर देश में हमारी नीयत होती सरकारों की तो आज ये आने नहीं पड़ती। अगर कांग्रेस ने उस समय इस बात को मान ली होती तो आज तो कोई कोई सवाल ही नहीं उठता। 75 साल आजादी के हो रहा है, इसमें बहुत कुछ आगे हम लोग निकल जाते और जात के सवाल ही नहीं उठता।
ठीक है। आज आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप बताइए, आंकड़े आपके पास होंगे कि हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने लोग हैं, उसके बाद बीसी है, कितने प्रोफेसर हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कितने आपके हमारे जो उसमें न्यायिक सेवा में है वो कितने लोग हैं। तो ये इनको जो उनका हक है अगर आप नहीं देंगे तो एक समाज में एक गैर बराबरी पैदा होगी और ये देश के हित में नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी। अनामिका जी, कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी आप ही हैं मुख्य बिहार में, बीजेपी इस चीज का समर्थन कर रही है, बीजेपी इसके साथ है, क्या आप सहमत हैं इस पूरी प्रक्रिया से? आप सहमत हैं कि इस तरह से 75% आरक्षण दे दिया जाए जबकि कोर्ट कहता है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका? वक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारा भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन था तो अकेला ये नीतीश कुमार जी का किया हुआ नहीं है। ऐसे आरक्षण के, आर्थिक रूप से पिछड़े आरक्षण के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी और हम आज भी उसके पक्ष में हैं। विषय ये है कि आपकी नीति नियत क्या है और उसका समय क्या है। जिस तरह से बहुत आनंद फानंद में आर्थिक सर्वे कराते हैं नीतीश कुमार जी और उसमें फिर जाति विशेष को पिछड़ा आंकड़ा बताते हैं और बहुत आश्चर्यजनक और विस्मित कर देने वाले बहुत सारे आंकड़े आते हैं जिनसे बिल्कुल भी बिहार की जनता सहमत नहीं है कि वो आंकड़े सही हैं। उसके आधार पर फिर आरक्षण देने की बात की जाती है। तो ये जो नीति और नियत है, विषय आरक्षण नहीं है, विषय है नीति, नियत और समय। ये सारे का सारा जो एक महत्वाकांक्षी उनकी एक इच्छा रही है बहुत ज्यादा, दिवस स्वप्न लाए नीतीश कुमार जी का प्रधानमंत्री बनने का इस देश का, उसके लिए की हुई ये कवायद है। बिहार की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी जी, उनके लिए हमेशा उनके जी नहीं नहीं ये ठीक है कि अब चुनावी वादे तो कहीं ना कहीं दिखते ही हैं, जैसे चुनाव पास आते हैं वैसे ही नए नए दावे वादे कहे जाते हैं, लेकिन कहा ये जाता है कि बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरे मुद्दे पर आपकी तरफ से सहमति है ना, केंद्र सरकार साथ है ना, समर्थन दे रही है ना? हाँ, ये जाएगी, इसका विरोध करेगी, खड़ी है जेडीयू के साथ, ये जानना चाहते हैं हम। वक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो वंचित हैं, जिन्हें आवश्यकता है उनके साथ, वो भले ही स्वर्ण भी हो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, उनके साथ उन्हें आरक्षण देने के पक्ष में है, परंतु हमारी उसे देने की नीति और नियत क्या है वर्तमान सरकार की देखने की आवश्यकता है। ठीक है ठीक है। हमारे साथ संजय बंसल भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम समझना चाहेंगे कि कानूनी तौर पर ये कितना सही है। सर, केंद्र का साथ अगर मिल भी जाता है, जैसा कि नामिका जी ने कहा कि वो समर्थित हैं और खड़ी हुई हैं, इसका समर्थन कर रही हैं पूरी तरह से, मान भी लिया केंद्र का समर्थन मिल जाए, तो क्या ये 50% आरक्षण सीमा के आधार पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं लटकेगा? क्या ये फैसला टिक पाएगा वहां पर? नमस्कार वक्ता जी, आपको और आपके सब दर्शकों को नमस्कार जी। सबसे पहली बात मैं शुरू करना चाहूंगा 1992 की जो जजमेंट थी इंदिरा सानी की, बेसिकली वो जो है एक रिजर्वेशन के ऊपर एक बड़ा ही एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें बहुत सारे तथ्यों को जो है कोर्ट ने समझा और उसके ऊपर अपने कुछ विचार रखे। अभी आपने भी अपनी प्रस्तावना में जो है उस जजमेंट का जिक्र किया, तो मैं उसी जजमेंट में जो दो मेन प्रपोजिशन थी उनका मैं जरूर आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए जो है उनको बताना चाहूंगा। ये जरूर था कि उस समय जो है 50% रिजर्वेशन को जो है जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। 50% की कैप एक सॉर्ट ऑफ उन्होंने अप्रूवल दिया था नॉन जजमेंट में, लेकिन साथ ही साथ उसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जो है मेजोरिटी ने उसमें ली थी। वो जो है ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये जो ब्रीच है 50% का, ये सैक्रोसेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो है क्योंकि ये रिजर्वेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली एफर्मेटिव एक्शन पर आधारित है। उसका पूरा पूरा गणित जो है, उसका पूरी जो जो उसके पीछे जो एक भावना जो रही है रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करने की, वो एफर्मेटिव एक्शन की भावना है जिसमें कि जो गरीब वंचित दबे कुचले या पिछड़े लोग हैं जिनको समाज में जो है तरक्की करने के पूरे साधन नहीं मिल सके, उनको एम्पावर करने की भावना थी। तो उस भावना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज की 1992 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय जो डाटा अवेलेबल था उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हम समझते कि नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जी, कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस में और एक्सट्रीम कॉशन के साथ इससे ज्यादा रिजर्वेशन भी की जा सकती है। और उसके बाद 2019 में, जैसे कि आपको मालूम है कि 2019 में इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए जो है रिजर्वेशन लाया गया 10% का, और फिर वही सीमा बढ़कर जो है ऑलमोस्ट 60% हो गई
जी, तो इस आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जो है जो नया डाटा अवेलेबल है या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की या समाज के दूसरे वर्गों की जो मांग है कि एक कास्ट सेंसस जिसको कि जाति गणना, जातीय गणना के आधार पर जो जो डिमांड हो रही है उसके आधार पर अगर कुछ इस किस्म के डाटा नए आते हैं तो मुझे मेरी ये मानना, मुझे मेरा ये मानना है कि उस आधार पर एक, क्योंकि 50% की सीलिंग जो कोई बहुत ही रिजिड सीलिंग नहीं है और कास्ट बेस्ड सेंसस के बेसिस पे वो 50% उन्होंने कैप किया था, उसके अलावा अगर कई नए फैक्टर्स आते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट उसमें, मेरा अपना ये विचार है कि शायद कोर्ट उसमें उसको शायद ना चैलेंज करे या उसको ना क्वेश्चन करे। बिल्कुल ठीक है, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, साथ ही साथ खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस चर्चा को हम जारी रख रहे हैं कि जिस तरह से आरक्षण की बात जब आती है तो 50% की जो एक सीमा होती है उसे कहीं लागते हुए कई राज्य आगे निकल गए हैं और जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट के उस इंदिरा साहनी केस की जिसका दिया जाता है हवाला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोर्ट के उस फैसले को लांघते हुए, कोर्ट के उस जवाब को और उस फैसले को इनकार करते हुए, नकारते हुए कहीं ना कहीं सरकारें काफी आगे निकल जाती हैं। के त्रिपाठी जी, मैं सबसे पहले बस यही समझना चाहती हूँ कि आखिर ये जो जाति की राजनीति है या फिर आरक्षण की राजनीति है, क्यों ऐसा संभव होता है कि हर जगह इसी राजनीति को लेकर हम आगे बढ़ते हैं? मैं सिर्फ एक ही दल की बात नहीं कर रही हूं, मैं उस हर दल की बात कर रही हूं जो आजकल आरक्षण को मुद्दा बनाकर, आरक्षण को अपनी ढाल बनाकर चुनाव में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। क्या ये सही है त्रिपाठी साहब? त्रिपाठी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर, लगता है आपका 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 फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं आपसे दोबारा से जवाब लूंगी, लेकिन अनामिका जी, क्या लगता है आपको, वही सवाल आपका भी मुझसे, जो सवाल मैंने त्रिपाठी जी से पूछा वही मैं आपसे भी करूंगी, क्यों इस तरह की राजनीति क्या करने की जरूरत पड़ती है कि सवर्णों को इतना, जबकि कोर्ट कह चुका है कि ये कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है, इस पर कोई ठप्पा नहीं लगा है कि आप पैदा हुए और आपको आरक्षण दे दिया गया। बक्ता जी, अगर जरूरत क्या है मैम, ये समझने की बहुत जरूरत है, ये बहुत समझने की जरूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर एक अगर हम नागरिक और बुद्धिजीवी व्यक्ति की तरह सोचते हैं तो निसंदेह एक ऐसा इस तरह के अवसर पैदा किए गए कि दक्षता और प्रतिभा पैदा की जाए हर व्यक्ति में, कि हमें आरक्षण के विषय को इस तरह से उसको करने की आवश्यकता ना पड़े, पर जब आवश्यकता होती है कि कोई वंचित है और उसे आवश्यकता है इस बात की, उसके कल्याण के लिए या उसके विकास के लिए, तो फिर राजनीतिक पार्टियों को उस तरह से करना ही होता है कि उन्हें आरक्षण का लाभ दे। और अगर आप देखते हैं तो आरक्षण से स्नेह जब बहुत ज्यादा कोई पिछड़ा हुआ है तो सोपान दर सोपान उन्नति कर पाने में भी सक्षम होता है, क्योंकि आरक्षण में आप देखेंगे कि एक समय आता है जब वो लोग क्रीमी लेवल में शामिल हो जाते हैं। एक पार्टी के प्रवक्ता होने के अलावा मैं एक बात हमेशा कहती हूँ आरक्षण को लेकर, कि किसी भी वर्ग और जाति विशेष के जिन लोगों को आरक्षण मिलता है, कई राजनीतिक दल में देखती हूँ जो ओबीसी आरक्षण में आते हैं, कई राजनीतिक दल हैं जो इसका फायदा उठाते हैं, कहीं से भी उन्हें देखकर, उनके रहन सहन को देखकर ये जरूरत महसूस नहीं होती है मैम कि उनको आरक्षण की जरूरत है, और ओबीसी कहकर आप आरक्षण लेकर उन लोगों को दबा रहे हैं जो वाकई में गरीब हैं। बिल्कुल वक्ता जी, मैं उसी बात पर आ रही हूँ कि जो एक क्रीम लेयर वाली बात करते हैं, जब सक्षम हो जाती है एकाध पीढ़ियां, तो ये जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया है उनमें एक संवेदना के साथ एक दायित्व होना चाहिए कि वो आरक्षण का लाभ लेना बंद कर दें। आप यूपीएससी के एग्जाम में इस तरह के उदाहरण देख सकते हैं कि जिनके पेरेंट्स क्लास वन ऑफिसर हैं वही बच्चे आरक्षण के नाम पे कई बार टॉप कर जाते हैं। मैम दे तो दूसरे उसमें भी देख, भारतीय जनता पार्टी तो खुद साथ दे रही है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी तो खुद कह रही है कि हम साथ में खड़े हैं, आप 75 के 80 भी लेकर आइए तो हम साथ हैं। वक्ता जी, आरक्षण के साथ में खड़े होना एक विषय है और आरक्षण का जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं वो अलग विषय है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों, संजय बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय बंसल जी से सुन लेते हैं। जी जी संजय जी। वक्ता जी, आपके जो विचार हैं कि आरक्षण का जो है लाभ, जो एक बार जो आरक्षण का लाभ पा ले और उसके बाद समाज में एक निश्चित स्थान हासिल कर ले और उसके बाद जो है अगर वो या उसके परिवार का कोई सदस्य दोबारा उस रिजर्वेशन के बेनिफिट को लेने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली ये वो लोग जो कि अभी भी दबे कुचले हैं, वंचित हैं समाज के, उनके साथ डेफिनेटली एक जो है ये एक अन्याय की बात है। और इनफैक्ट वो एक अप्रोप्रिएट
तरीका नहीं है इस पॉलिसी को लागू करने का। और मैं ये समझता हूँ कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट जब इंदिरा गांधी के केस में जब उन्होंने इस चीज को लेटर ऑन जजमेंट्स वो क्लैरिफाई भी हुई है, जब कोर्ट जो है क्रीमी लेयर की फिलोसफी और उसके सिद्धांत के साथ आया, और उसके बाद अब मैं ये समझता हूँ कि जहां तक कानूनी स्थिति है वो काफी कुछ क्लियर है कि जो लोग समाज में स्थिति प्राप्त कर लेते हैं रिजर्वेशन लेने के बाद और एक सामाजिक ओहदों पर या किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिकल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, उनको इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, खासतौर पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का। तो उस स्थिति में मैं ये समझता हूँ कि रिजर्वेशन पॉलिसी में एज सच कोई गलती नहीं है, ये उसके इम्प्लीमेंटेशन में या उसके क्रियान्वयन में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसकी ज्यादा बात है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार को या जो सरकारी विभाग बिल्कुल करना चाहिए। सर देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, जब इस तरह के आरक्षण की बातें सामने आती हैं तो एज अ जर्नलिस्ट लोग आकर पूछते हैं कि इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, और सामान्य वर्ग के लोग इस तरह की बात जब आकर सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आती है कि आरक्षण को लेकर गरीबों की बात की जाती है, लेकिन जब सामान्य वर्ग की बात आती है तो कहते हैं आपकी स्थिति काफी मजबूत है, आप देश में जिस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग का इंसान भर रहा है और उसकी स्थिति आप मजबूत बताते हैं। देश में अगर जो सरकारों की जो इनकम है, मैं मानती हूँ कि जितनी भी इनकम सरकार की होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसी से होती है जो जनता टैक्स पे करती है, लेकिन आप एक वर्ग को इतना ज्यादा बढ़ोतरी कर देते हैं और दूसरे वर्ग को दबा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब व्यक्ति आपसे आकर कहता है तो सोचने पर मजबूर करता है कि वाकई में जिस तरह की पॉलिसीज हमारे कानून में लेकर आई गई हैं या फिर हमारी राजनीतिक दल इस तरह चुनाव जीतने के लिए लेकर आते हैं तो वो कितने सही माने जाएं। सर अनामिका जी, एक रिएक्शन आपसे चाहूंगी और फिर समाप्ति की ओर बढ़ेंगे क्योंकि वक्त की कमी है। जी मैंने पहले भी कहा और अभी हमारे अधिवक्ता महोदय ने उसी बात को आगे बढ़ाया, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की तरह निसंदेह बहुत पीड़ा होती है जब प्रतिभा वो किसी भी जाति की हो या किसी भी वर्ग की हो पीछे पिछड़ती है, उसके साथ अन्याय होता है, क्योंकि आप अगर सामान्य वर्ग में पैदा हुए हैं तो ये आपका गुनाह नहीं है, इस देश में आपने भी अपना योगदान दिया है, टैक्स दे रहे हैं और सारी चीजें हैं। देखने का विषय यही है जो हम, मैं और अधिवक्ता महोदय दोनों सहमत हैं, देखा ही जाता है। मैम मैं तो कब से देख रही हूँ, देखा ही जाता है, लेकिन इस पर विचार करने की बात जब आती है तो शायद कोई राजनीतिक दल आगे आकर बात नहीं करता। राजनीति जो है वो बिल्कुल बिल्कुल राजनीति सर चढ़कर बोलती है। संजय बंसल जी बिल्कुल सर चढ़कर बोलती है, माफ कीजिएगा मैं और ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।